आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सीरीज आपके सामने फॉलोइंग रिएक्शन है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे एंड देन आपको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है, राइट। सो ये रिएक्शन इसको बैलेंस करना है, प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, फाइन। सो सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। सो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देखो आपकी वो होती है जो आपकी फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, राइट। जो रिएक्शन आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है वो आपकी रिएक्शन जो होती है वो बैलेंस्ड होती है। इसका मतलब होता है कि जितना मास आपके पास अगर रिएक्टेंट साइड पर है, अगर उतना ही प्रोडक्ट साइड पर है, सो वो इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करेगी। और इसको करने के लिए आप सिंपली अगर आप नंबर ऑफ एटम्स टू हैं दोनों साइड पर अगर आप सेम कर देते हो तब आपकी इक्वेशन जो होती है वो आपकी बैलेंस हो जाती है, राइट। सो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2KiPlus Cl2, राइट। सो प्रोडक्ट अगर मुझे देखने होंगे, सो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा KCl+I2, राइट। ये प्रोडक्ट है, मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी है, सो आपको दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने हैं, राइट। सो ऑलरेडी आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड पर आपके पास पोटेशियम दैट इज के के दो एटम्स, और यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है, सो यहाँ 2 लगा दीजिए। अब आपके पास क्लोरीन के दो एटम्स है, यहाँ पर भी क्लोरीन के दो एटम्स है, आयोडीन के भी दो एटम्स है, मतलब इक्वेशन अब आपकी क्या है, बैलेंस्ड है, फाइन। सो आपका आंसर जो है वो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर, आपके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे KCl and I2, राइट, एंड इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। सो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।